सलाम, जय भीम। मैं पत्रकार संदीप नोखवाला आप सभी का दी पब्लिक न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर सियासत जारी है। आपको बता दें कि सियासत क्या कहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। आपको बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से झूठा दावा किया जा रहा है कि फर्जी तस्वीर के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गलत डेटा पेश किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव जो है मानते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना काम गिनकर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्ष पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। लखीमपुर खीरी के बहाने कांग्रेस और बीएसपी भी बीजेपी को घेरने में जुटी है। इस बीच तरह के दावे और पेश किए जा रहे हैं। अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल के माध्यम से हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। आपके चैनल के माध्यम से भी झूठा दावा किया जा रहा है, फर्जी तस्वीर के माध्यम से गलत डेटा पेश किया जा रहा है, ऐसे ऐसे आरोप नेता लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। इस स्क्रीनशॉट में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि यूपी में सपा 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। आपको बता दें कि ये दावा सरासर झूठा है। क्या है हकीकत, क्योंकि पुराने आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। 2017 के मुकाबले सीटें जरूर कम होती दिखाई दे रही है। बीजेपी सत्ता में वापसी करने के थोड़े बहुत चांस है, लेकिन सर्वे के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी बहुमत से 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी लगभग कर सकती है। आपको बता दें कि ऐसे में जो है बीजेपी को नीचे गिराकर सपा पार्टी काफ़ी आगे निकल सकती है। मैं आपको ओपिनियन पोल भी बताऊंगा कि कौन सी पार्टी जीतने के करीब है। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बुंदेलखंड की जनता बीजेपी के वोटों पर चलाएगी बुलडोजर। उन्होंने कहा है कि जो है बुंदेलखंड की जनता बीजेपी को हराएगी और सपा को सत्ता में लेकर आएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वादा किया कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर दोगुनी हो गई। वहीं पर बीजेपी भी मेगा प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। सीएम योगी की लोकप्रियता और राम मंदिर का सहारा बनाया जा रहा है। साथ में लखीमपुर पे सीएम योगी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर भी बीजेपी वाहवाही बटोर रही है। वहीं पर ब्राह्मण नेता को अपना चेहरा बना सकती है कांग्रेस। राजेश शुक्ला सहित कई नेताओं पर नजरें हैं कांग्रेस पार्टी की और अपनी राजनीति साधने में लगी हुई है। मायावती के वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है। बैनर लगाकर बेबी रोनी मोरिया को बता रही है जाटो। यहां पर बीजेपी अब बेबी रोनी मोरिया को जाटो लीडर के रूप में पूरे यूपी में लाने की तैयारी में है। बीजेपी की निगाहें बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक जाटो वोट बैंक पर भी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अध्यक्षता की जा रही है और किस प्रकार से यहाँ पर सराहा जा रहा है। और वहीं पर अखिलेश के सियासी सिंघम है, यूपी का मूड है और यूपी चुनाव 2022 की यहाँ पर तैयारी लगातार जुटी है और तैयारी लगातार चल रही है और यहाँ पर सराहा जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, जहाँ पर हर एक पार्टी हर एक नेता अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहा है और अपनी जीत को एक माला के अंदर परोते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यूपी के अंदर मुकाबला काफ़ी कड़ा है, लेकिन फिर भी बीजेपी को हराने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा विपक्षी दल को। अगर मेरी बात माने, अगर विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा होकर या गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी बीजेपी एक बार फिर से 2022 के चुनाव जीत सकती है। हालांकि बीजेपी का जनाधार कुछ कम हुआ है, चाहे उसकी वजह किसान आंदोलन हो, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन बीजेपी हार के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर हो सकती है, लेकिन जीत से दूर नहीं है। यानी जीतने के चांस 99% है। अगर यहाँ पर हमारे ओपिनियन पोल की बात की जाए तो अगर विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ता है तो इस बार यूपी की सत्ता में काबिज हो सकता है या यूपी की सत्ता में सरकार बना सकता है। और अगर विपक्षी दल ऐसे ही आपस में लड़ते रहें तो जीतना नामुमकिन हो जाएगा। अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 200+ सीटें
जो है यहाँ पर विपक्षी दल निकाल सकता है और यूपी के अंदर सरकार बना सकता है। और बीजेपी का आंकड़ा हमारे ओपिनियन पोल के अंदर 100+ होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार आप देख सकते हैं कि यूपी का मूड क्या है, यूपी की सियासत क्या है, और यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और बीजेपी को हराना है तो विपक्षी दल को एक होना पड़ेगा, और हमारे ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, जीत के करीब जाती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रिपब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।